दोस्तों आप देख रहे हो L4 LPU। तो भाई आज हम मतलब यूनिवर्सिटी में आए थे, तो इस वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटी का टूर कराएंगे। साथ में मेरा फ़ोन 20% है, तो 20% में ही मैं आपको पूरा टूर करा दूंगा, और जो ये वीडियो देख लेगा उसको काफ़ी कुछ LPU के बारे में पता चलेगा। तो वैसे तो ये यहाँ पे इधर पीछे लो बिल्डिंग है और सामने ये आर्किटेक्चर ब्लॉक है, और मेरे साथ में जो है मैं उसको सॉरी नहीं दिखा सकता, बट हम उससे पूरा काम लेंगे अपनी वीडियो शूट करवाने का। जूते देख सकते हो, और इससे ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे आपको। तो यार ऐसा है कि जिन लोगों ने एडमिशन लेने हैं, बाकी मतलब इस टाइम पे वो लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं जिन लोगों को यहाँ पे आना है, और या जो लोग एडमिशन ले चुके हैं। तो भाई मैं आपको बताऊँ, अभी रिपोर्टिंग का टाइम है और 31st और 23 से लेके 28-30 तक यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी, और मतलब रिपोर्टिंग तो उधर सामने होने वाली है। तो भाई सीन ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं गर्ल्स के इन चीज़ों के, भाई जैसे यहाँ पे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, प्लास्टिक ये सब। ये भाई ये टॉपिक तो गलत है इनका कहने का। ये अपने यहाँ पे प्लास्टिक्स की बोतल है, काफ़ी सारे प्लास्टिक्स के बैग भी यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत है। बट ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पे कंज्यूम करते हो तो भाई सीधी UMC लगती है। UMC का फुल फॉर्म ना ही मुझे पता, शायद 60-70% लोगों को नहीं पता होगा यहाँ पे। तो भाई गिर पड़ गया यार, मतलब मैं यहाँ तक आया हूँ कि मुझे कोई नेक A++ वाली यूनिवर्सिटी मिले। वैसे तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, लोग मुझसे ये पूछते हैं यार आप वीडियो में जो बताते हो थोड़ा हमें पर्सनली बताओ। तो भाई मैं आपको पर्सनली ही तो बता रहा हूँ, रिव्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो LPU में पढ़ रहा है उनसे रिव्यूज़ लो थोड़ा, और दिमाग तो आप में है ही कि क्या बढ़िया है क्या घटिया है। तो यार इधर ये स्टॉल्स वगैरह, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, ऐसे ऐसे स्टॉल्स है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ खा सकते हो, और साथ में इधर तो भाई गेमिंग सेंटर है, और ये पूरा मतलब ये यूनि होटल वालों का है, तो इसमें होटल मैनेजमेंट वाला कोर्सेज वगैरह होते हैं। मतलब इसमें आगे तो यूनि मॉल है, पीछे इसमें होटल है। मैं इसमें होटल्स की वीडियो डाली हुई है, आप L4 LPU देन होटल लिख सकते हो, LPU होटल मैनेजमेंट कोर्स, देन वहाँ से आप सारा कुछ चेक कर सकते हो। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों। और भाई इस देश में काफ़ी डिलीवरी होती है, हर टाइम हर सेकंड। सो भाई मतलब गर्मी ज़्यादा होने के कारण हमने यहाँ पे पंप्स भी लगवा दिए, वाटर पंप्स, अपनी आप इसमें बाल्टी भर सकते हो पानी की, और अच्छे से नाव इसके नीचे लाइन। हॉस्टल लेना है वो बता देना, और जिसको PG चाहिए वो भी कमेंट कर देना। भाई कभी कभी मैं अपनी स्पीड से तेज चल देता हूँ अपने फ्यूचर को लेके, तो मेरे लिए इन्होंने यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है कि मेरे बेटे तुझे 30 से ऊपर नहीं जाना। वैसे हमारे सामने स्कूल ऑफ मल्टीमीडिया डिज़ाइन है, और साथ में अगर किसी को यहाँ पे कुछ एंजाइटी वगैरह होती है तो उनके लिए भी यहाँ मतलब काउंसलिंग सेशन होते हैं यहाँ पे। एक दिन मैं भी जाऊँगा भाई, मैं उनको बताऊँगा, मैं कहा कुछ करेंगे क्योंकि मैं भाई कहीं नहीं सर मानता यार। मतलब मैं है ना व्लॉग में, जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मतलब मैं ये सोचता हूँ मैं फनी से फनी बिल्कुल फनी बन के व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई टपक जाता है। पता आप क्या होने वाला है भाई, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी है, मतलब आप भी आप मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉल आ रहा है एक बंदे का, कोई दिक्कत नहीं, बंदे का नहीं बंदे का लोग इंसान का। तो यार मतलब अब आने वाले हो तुम, फिर उसके बाद हम अगर कहीं मिले तो भाई सामने से हेलो कर लेना, क्योंकि पता फिर क्या कहते हैं, यार मैंने तुम्हें देखा था लेकिन मैं तुम किसी के साथ थे तो मैं इसलिए आपसे मिल बोल नहीं पाया। तो मतलब मैं भाई अपनी वो नहीं कर रहा, बट अगर कहीं दिखे तो सामने से गला नहीं यार कि तूने मेरा फ्यूचर बर्बाद किया है, नहीं नहीं मतलब अच्छे तरीके से मिलना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो लोग यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं, इधर बैठते हैं यार, आ जाओ, ये हमारे भाई है, ये है CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, और अभी इनसे ये प्लेसमेंट ड्राइव ले रखी है। मैंने तो ली नहीं यार, मुझे गर्मी लगती है तो इसलिए, गर्मी लग रही थी मतलब, तो मैंने ली नहीं, मैं कहा लास्ट ईयर में लेंगे। इधर आओ यार, इधर बैठते हैं। तो भाई बात चल रही थी प्लेसमेंट की, तो हमारे CR भाई है, CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अरे यार इतना तारीफ क्या करो यार। हाँ नहीं वैसे है भाई, तारीफ लायक है बंदा, बंदा सही में तारीफ लायक है, स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, मतलब मैं तो भाई हिंदी में ही काम चला लेता हूँ। तो यार कितनी कंपनी आ ली अभी तक? अभी तक कम से कम 10 से ज़्यादा ही आ चुके हैं, जो MCA, BTEC, MCA और EC वगैरह के लिए, सबके लिए आ चुके हैं,
और हमारे लिए जिसमें हम एलिजिबल थे वो 4 से 5 में एलिजिबल थे। अच्छा अच्छा। केस ऑल्स, इंटेलीपैथ, एड्यूरेका, एडूफा एंड नाउ अपकमिंग 2 और आ रही हैं। कितने का पैकेज आता है इनका, मतलब कितने से कितने? मिनिमम लेके जाएं तो 5-6 एक एवरेज है, 5-6, और बहुत ज़्यादा अगर हाई चले जाएं तो 8-9-10। अच्छा, जो ठीक ठाक कंपनी है। तो बता अपना जो मुझे बता रहा था, एक छोड़ दी। अरे वो एक इंटरव्यू सबसे पहली कंपनी का, उसमें 2 राउंड क्लियर किए थे मैंने। अच्छा। तीसरे में रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। सेकंड कंपनी आई, उसके HR राउंड तक मैं चला गया था, वहां से रिजेक्ट हो गया। अच्छा। एक आई थी इडूफा करके आई थी, नॉन टेक था, टेक में एक ही ओपनिंग थी, बट वो भी टेक में प्रॉपर टेक नहीं था, वो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तो वहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड हुआ, उसके बाद जब HR के लिए या फिर टेक्निकल राउंड के लिए वहाँ खुद ही मना करके आ गया। मैं मुझे नहीं करनी नहीं कर भाई। अगर इसका पूरा इंटरव्यू देखना है, प्लेसमेंट्स कैसे होती है, तो आप जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। इसमें पूरा इंटरव्यू है इस बंदे का, और जिसमें हमने सारी बात कर रखी है प्लेसमेंट से रिगार्डिंग। तो दोस्तों बस इस वीडियो में, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।